जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं शुक्रदेव की चर्चा करने के लिए। नवग्रह देवताओं में धन और संपत्ति के विधाता, जिनके पास अटूट धन और संपत्ति है, वो आज 29 मई सन 2021 को राशि परिवर्तन करके, यानी शुक्र देवता जो अपनी वृष राशि में बैठे हुए थे, अभी तक सूर्य और राहु के बीच में फंसे हुए थे। सूर्य से तो उनकी दुश्मनी है, तो वहां से वो निकलकर अब मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो उस राशि परिवर्तन का आप सभी राशि वालों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। और हर एक राशि वाले एक व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। तो आज का यह वीडियो अंत तक अवश्य देखते रहिएगा। ज्ञान गंगा जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी को शुक्र ग्रह के गोचर में आए परिवर्तन की जानकारी देने के लिए, जिसका आप सभी लोगों के जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। किंतु उस जानकारी से पहले आइए नजर डालते हैं आज इस राशि परिवर्तन के बाद हुए ग्रह गोचर की स्थिति पर। सूर्य ग्रह और राहु, ये दोनों वृष राशि में विराजमान है, या राहु महाराज वक्री हैं और एक तरीके से सूर्य को ग्रहण लग रहा है। सूर्य राहु के जबड़ों के बीच में फंसे हुए हैं। मिथुन राशि में बुध देवता, शुक्र देवता और मंगल देवता, ये तीनों ही विराजमान है। यहाँ पर जैसे ही शुक्र ने वृष राशि से निकलकर मिथुन राशि में एंट्री मारी है, वहां पर उनके ऊपर मंगल का प्रभाव आना शुरू हो गया, क्योंकि मंगल उनको हमेशा पीड़ित करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। बात करूंगा केतु महाराज की। केतु महाराज वक्री चाल चलते हुए वृश्चिक राशि में विराजमान है। चंद्र देवता धनु राशि में विराजमान है। शनि महाराज वक्री गति से अपने स्वयं के घर मकर राशि में विराजमान है। देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में विराजमान है। और निश्चय ही ये सभी ग्रह देवता मेरे और आपके कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए अपना स्थान बदलते रहते हैं। हमारे कर्मों के आधार पर हमें शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें सुख शांति सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराते हैं। जो लोग बुरे कर्म करते हैं, बुरे कर्मों की बात करूं तो ये बुरे कर्म है देशद्रोह करना, देश की संपत्तियों को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाना, भ्रष्टाचार करना, मिलावटखोरी करना, नकली दवाओं का व्यापार करना, नशे का व्यापार करना, आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन देना, और अपने अड़ोसी पड़ोसी नाते रिश्तेदार या समाज के किसी भी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना, तो इन सब के लिए तो दंड का पात्र बनना ही पड़ेगा। इसके लिए तो वो हमें दुख दुर्भाग्य दुर्गति और दुर्दशा करते हैं, दरिद्रता प्रदान करते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप सुख शांति सौभाग्य और ऐश्वर्य ले लो इन्हीं देवताओं से, या दुख दरिद्रता दुर्भाग्य और दुर्गति करवा लो। अगर आपके कोई कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिल पाया आपकी कम आयु की वजह से, क्योंकि वो आयु भी तो कम करते हैं, तो वो अगले जन्म में ट्रांसफर कर देंगे। और क्या होगा अगले जन्म में? अच्छे कर्मों का फल राजा समान परिवार में जन्म होकर मिलेगा, बुरे कर्मों का फल भिखारी जैसे परिवार में कटोरा हाथ में लेकर जन्म मिलेगा। तो 100 बार सोचो क्यों ऐसा करते हो कि आपको दीनहीन मलिन बालक के रूप में, दिव्यांग अपंग बालक के रूप में दरिद्रता का जीवन यापन करना पड़े। माँ बाप आपको कंधे पर लिटाकर कटोरा हाथ में पहले से लेकर घूमते रहे, आंधी बारिश तूफान में, धूल धक्कड़ में, गर्मी की तपिश में आप तपते रहो,
ऐसे कर्म करो ही क्यों, जितना भी करो अच्छा करो, देश और समाज के हित में करो। परिवार का हित साधने को कोई भी मना नहीं करता, आप परिवार का भला कीजिए मगर किसी का बुरा करने की कीमत पे नहीं, देश को नुकसान पहुंचाने की कीमत पे नहीं। तो कोई भी बुरा कर्म करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि आपके बुरे कर्मों का फल अंततः आपको परेशान ही देगा ही देगा। और मैं गुरु रजनीश ऋषि, अगर आप में से एक भी व्यक्ति का जीवन शुभ कार्यों की ओर लगा सका, समाज के भले के लिए लगा सका, तो मेरा जीवन तो वैसे ही धन्य हो जाएगा। वैसे तो परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा है मेरे ऊपर, मगर आपके ऊपर भी ये अनुकंपा सदैव बनी रहे, ऐसी में नित्य प्रति आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आपको ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ और आपके जीवन को परिवर्तित करने की प्रयास करता हूँ, ताकि आप सुख शांति सौभाग्य और ऐश्वर्य की निरंतर प्राप्ति करते रहें। प्रिय भक्तगणों, आप सब लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक मोबाइल ऐप एस्ट्रोलॉजी बाई गुरुजी लॉन्च की है, जो गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। उसका लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। उस ऐप पर आप अपनी विभिन्न परेशानियों का उपाय मोबाइल ऐप के माध्यम से डायरेक्टली ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और समय समय पर उस ऐप के माध्यम से मैं भी आपको होली दिवाली पर या आपकी बर्थडे पर शुभकामनाएं संदेश भेजने का प्रयास करता रहता हूं। मैंने आपको सभी को बार बार चेताया है कि अगर हम लोग देखिए, लोग दवाओं के नाम पर इम्यूनिटी बूस्टर्स की बात कर रहे हैं, मल्टीविटामिन्स की बात कर रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, विभिन्न प्रकार के च्यवनप्राश जैसे इम्यूनिटी बूस्टर्स उनकी बात कर रहे हैं, आयुर्वेदिक दवाओं के माध्यम से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने की बात हो रही है, एलोपैथिक दवाओं के माध्यम से आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने की बात हो रही है, मगर कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में जो सबसे आसान तरीका है लॉन्ग रन के लिए, वो तरीका है आपकी जन्म कुंडली के अनुसार। अगर आपकी राशि वर्क कर रही है तो राशि की अंगूठी, अगर आपकी लगन से वर्कआउट हो रहा है तो लगन की अंगूठी, भाग्य के रतन की अंगूठी और आमंदिनी के रतन की मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत की हुई अंगूठियां अगर आप सभी लोग धारण कर लें तो विभिन्न प्रकार की परेशानियां जिनमें आपकी इम्यूनिटी भी है, बीमारी भी है, आपकी हर प्रकार की समस्याओं से आपको राहत मिलेगी। ये सारी चीजें मैं अपने धर्म ग्रंथों में अंकित हमारे महान ऋषियों संतों मुनियों ने जो रिसर्च की थी, वर्षों वर्षों तपस्या की थी, अनुसंधान किए थे, खोजें की थी, उन खोजों के आधार पर उन्होंने ही ये रतन बताए थे जो श्रुति और स्मृति के माध्यम से कालांतर में जाकर हमारे विभिन्न धर्म ग्रंथों में जाकर अंकित हुए हैं। तो अगर हम अपने अपने रतन की, यानी आपने राशि का लगन रतन या लगन का रतन, जो भी आपकी जन्म कुंडली में जहां से वर्क कर रही है, भाग्य का रतन, आमंदनी का रतन, अगर ये तीनों रतन की मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत कराकर अंगूठी पहन दी, साथ में अगर कोई और भी ग्रह खराब है तो उसके लिए भी कोई रतन धारण कर लिया या जो भी छोटा मोटा उपाय करना है वो कर लिया, तो फिर आपको परेशानी होगी क्यों? और होगी भी तो जस्ट छू के निकल जाएगी। अरे आप मजबूत हो गए, यानी आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो गई कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आप आसानी से खड़े रहेंगे, बड़े बड़े तूफान भी आपको डिगा नहीं सकेंगे। भाग्य मजबूत हो गया तो बुरी से बुरी
घटनाएं भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। अगर आमदनी मजबूत हो गई तो आपकी जब जेब में हर समय पैसा रहेगा तो परेशानी किस चीज की है? पैसे के बल पर तो बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ तो नहीं मिलता है, लेकिन बहुत कुछ तो प्राप्त किया जा सकता है। तो यही मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा, आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए इन मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित तो जागृत की हुई रत्नों की अंगूठियों को अवश्य धारण करें। ये न सिर्फ आपको सुरक्षा प्रदान करती है, आपकी इम्यूनिटी की डोज को इतना बढ़ा देती है कि वो ये रत्न की अंगूठी मंत्र सिद्ध होने के बाद 3 साल तक काम करती है। उपरत्न की अंगूठी 1 वर्ष तक कार्य करती है मंत्र सिद्ध होने के बाद, यानी एक एक साल या 3 साल तक सारी परेशानियों को अपने ऊपर झेलती है और आपको सुख शांति सौभाग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराती है। यही तो कारण है, अगर हम अपने देश के 10 प्रमुख नेताओं की बात करें, 10 प्रमुख बिजनेसमैनों की बात करें, 10 प्रमुख एक्टर एक्ट्रेस की बात करें, तो उनमें से बहुत सारे लोगों के जब आप नए पुराने फोटो तलाशेंगे तो उनके हाथ में इन रत्नों की अंगूठियों को बहुत सारे लोगों के हाथों में पाएंगे। हमारे माननीय रक्षा मंत्री भी धारण करते हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री भी धारण करते हैं, हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी धारण की हुई है, हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय भी धारण करते थे, हमारे जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन कहते हैं जिनको, वो उनका पूरा परिवार ही धारण करता है। आप किसी के भी हाथ में देख लीजिए, चाहे वो ऐश्वर्या राय हो, अभिषेक बच्चन हो, या उनकी धर्मपत्नी जया जया बच्चन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट में देख लीजिए आप, तो आप इन सब के हाथ में इन रत्नों की अंगूठियों को इसीलिए देख पाते हैं कि इन रत्नों की अंगूठियों के द्वारा समय समय पर इन लोगों ने अपने भाग्य को मजबूत करने का प्रयास किया है। चाहे वो शाहरुख खान ही क्यों ना हो, फरहा खान ही क्यों ना हो, एकता कपूर ही क्यों ना हो, चाहे फिर आप और मुझ जैसे आम आदमी ही क्यों ना हो, तो जब हम अपने इन इम्यूनिटी बूस्टर्स को, इन रत्नों की अंगूठियों को धारण कर लेते हैं, तो निसंदेह हमारे आत्मबल में, हमारे भाग्य में, हमारी आमंदनी में हर प्रकार से धीमे धीमे करके वृद्धि होने लगती है और निरंतर हम सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं। बस यही मेन ध्यान रखने वाली बात होती है कि ये अंगूठी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित तो जागृत हो। तो मेरी खुद की तप साधना है, पिछले 32 साल से मैं नवग्रह देवताओं की नित्य प्रति साधना करता हूं। मेरी इस मंत्र साधना के बल पर मैं पूरी दुनिया में रफली 133 देशों में इन रत्नों की अंगूठियों को लोगों तक भेज रहा हूं, या लोग वहां से खुद चलकर आते हैं और इन रत्नों की अंगूठियों को मुझसे बनवाते हैं, मेरे से मंत्र सिद्ध कराते हैं और धारण करते हैं। बड़े बड़े ज्वेलर्स भी आते हैं मुझसे अपनी अंगूठियां बनवाने के लिए, वो मेरे पास आते हैं। बड़े बड़े धर्मगुरु हैं विभिन्न देशों के, विभिन्न धर्मों के, वो भी समय समय पर मेरी मदद लेते हैं। इन रत्नों की अंगूठियों को मंत्र सिद्ध कराने के लिए, क्योंकि मंत्र सिद्धि एक विशेष प्रक्रिया है जो इसमें प्राण डालती है, जान फूंकती है, इन्हें अभिमंत्रित करती है। हमारे देश की विडंबना में सबसे ज्यादा ये है कि अगर हम ये सोचते हैं कि मंदिर में बैठने वाले जो ब्राह्मण गण हैं वो नित्यपति नवग्रह देवताओं की साधना करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सच में उनको मंदिर में बैठने की जरूरत नहीं होती, वो अपने ही मंदिर बनवाते, वहां जाकर उस मठ के मठाधीश की तरह विराजमान होते। मंदिर में 2,000 रुपए की तनख्वाह लेकर, साथ में एक प्रकार से कहूं तो 2,000 रुपए की तनख्वाह में किस ब्राह्मण का अपने परिवार के साथ
भरण पोषण हो सकता है, गुजारा हो सकता है। ये आप ही सोचिए, मैं दिल्ली के पटेल नगर क्षेत्र के, ईस्ट पटेल नगर के भी मंदिरों की बात करूं तो कुछ मंदिरों में, जो बड़े से जो टॉप मोस्ट मंदिरों की बात कर रहा हूँ, 2-2.5 हज़ार रुपये तनख्वाह हुआ करती है। और उसके अलावा कुछ उससे भी जो बड़े मंदिर है वो तनख्वाह देते ही नहीं है। वो कहते हैं आप अपने आप ही निकालो जी ये यजमानों से। अब यजमानों से निकालने का मतलब क्या है? आपने यजमानों को लूटने का मतलब, मंदिर में जो विजिटर्स आते हैं भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं, उनको लूटने का लाइसेंस दे दिया है। अरे मंदिर कमेटी चला रही है, मान लीजिए पहले तो कमेटी का रोल क्या था, समझ में ही नहीं आता क्या हो गया हमारे देश में, क्या परंपरा चालू हो गई है। फिर भी वो कमेटी के अपने बजट धीमे धीमे करके, मतलब उनके पास जो 6-6 करोड़ की, 10-10 करोड़ की एफडीआई बन जाती है, किंतु वो उस ब्राह्मण को जो वहां पूजा अर्चना करता है, लोगों को पूजा अर्चना कराता है, उसे 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह नहीं दे सकते, या 25,000 रुपये महीने की तनख्वाह नहीं दे सकते, ताकि वो अपने परिवार का आसानी से भरण पोषण कर सके, मगर लूटने का लाइसेंस दे सकते हैं। अरे आप जितना मर्जी समझ दो, ये कितनी गलत परंपरा है उस सनातन धर्म के अंदर जो विश्वगुरु बन रहा है, मगर यही सारे लोग इन्हीं सब के बीच में से, इन्हीं सब कारणों की वजह से हमारे देश में ढोंगी पाखंडी बाबाओं की, एस्ट्रोलॉजर्स की, ज्योतिषों की और पूजा करने वालों की बाढ़ आ गई है। तब जाके हमें सुनाई पड़ता है, लोग आज कहते हैं कि मुझसे 6 लाख रुपए लूट लिए, कोई कहता मुझसे 10 लाख रुपए लूट लिए, कोई कहता मैंने 20 लाख रुपए लुटा दिए, कोई कहता मैं 20 साल से मंदिर जा रहा हूँ, कोई कहता मैं 25 साल से मंदिर जा रहा हूँ, गुरुजी कोई फायदा ही नहीं हो रहा। अरे फायदा होगा कहाँ से जब उसके अंदर स्वार्थ का इतना बड़ा कीड़ा घुस जाएगा, तो फायदा थोड़ी होगा, राहत थोड़ी मिलेगी, हम धर्मगुरु थोड़ी बनेंगे। इसी विषय में और अधिक जानकारी देने के लिए, ताकि आप लोग लुट ना सकें, मैं आप लोगों को ढोंगी पाखंडी झूठे और मक्कार लोगों के जाल से बचा सकूं। मैंने एक वीडियो ढोंगी पाखंडी बाबाओं की पहचान कैसे करें, एक छोटा सा वीडियो बनाया, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद है और शायद आपको एंड स्क्रीन में भी देखने को मिलेगा, जरूर देखिएगा और अपनी आंखें खोलिएगा कि किस प्रकार से आप आसानी से पहचान सकते हैं। आप तो वैसे ही लोगों के बीच में ठगे जा रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से आप दुनिया को जागरूक कर सकते हैं, अपने नाते रिश्तेदार दोस्तों को जागरूक कर सकते हैं। अगर मैं आपको जागरूक करता हूं तो आपका भी फर्ज है, आप अपने समाज को जहां पर रहते हैं उसे जागरूक करें, ताकि कोई ठग ना सके आप लोगों को, कोई आपकी गाड़ी कमाई के 6-6, 8-8, 10-10 लाख रुपए यूं ही ना लूट ले पूजा पाठ के नाम पर। जो शिकायतें आ रही हैं वो हतप्रभ करने वाली हैं। ऐसे ऐसे ढोंगी पाखंडी अब तो हमारे सनातन धर्म के नाम पर लूट के चले जा रहे हैं, जो हमारे धर्म को ही नहीं बिलोंग करते हैं। यहाँ कोई बकरी की बलि के नाम पर लूट रहा है, कोई मुर्गे और उल्लू की बलि के नाम पर आपको उल्लू बना रहा है और आप बनते चले जा रहे हैं। मगर एक वीडियो देखने की आपके पास फुर्सत नहीं है, जिसमें हमने बताया कि ढोंगी पाखंडी बाबाओं की पहचान कैसे करें। सबसे आसान तरीका है और सटीक तरीका है, वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरता हुआ तरीका है, तो अवश्य देखिएगा और अवश्य सर्कुलेट करिएगा जितना ज़्यादा कर सकते हैं। जितने ज़्यादा प्लेटफार्मों पर सर्कुलेट करेंगे तो आप जैसे कितने लोगों का भला होगा, वो ठगे जाने से बच जाएंगे। चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, प्रारंभ करता हूँ मेष राशि वाले जातकों के साथ। मेष राशि वालों, शुक्र देवता जो अभी तक आपके परिवार जनों के साथ, कुटुंब जनों के साथ लाभ प्रदान कर रहे थे, वो उनका अब वहां से मिथुन राशि में चला जाना निश्चित रूप से आपके बाहुबल में कहीं ना कहीं वृद्धि तो करेगा ही करेगा। आपको
और आपके भाई बहनों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करेगा ही करेगा। फिर भी अगर आप, क्योंकि यहां पर मंगल देवता के रूप में आप स्वयं भी प्रवृत्त हैं भाई बहनों के घर में, अगर आप अपने राशि रतन की और भाग्य के रतन की अंगूठी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा जागृत कराकर धारण करेंगे ना, तो बहुत फायदा होगा। विभिन्न प्रकार की परेशानियों से आप हमेशा आगे निकल जाएंगे। तो मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध की गई अंगूठी आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं वीडियो कॉल पर मुझसे चर्चा करने के उपरांत। बात करूंगा वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृष राशि वाले व्यक्तियों की आपकी जो स्थिति है ना, आपके से राशि के अंदर सूर्य और राहु का इकट्ठा होकर बैठ जाना कहीं ना कहीं आपको विचलित करता है, परेशान करता है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भ्रम की स्थिति है ये, और आप यहाँ पर कमजोर पड़ गए। फिर भी परिवारजनों की मदद से आप लाभ उठा सकते हैं, इस स्थिति को ठीक कर सकते हैं। और मैं तो आपको ये सलाह दूंगा, हमेशा शुक्र देवता के तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला नित्य पति किया करें, और शुक्र देवता के रतन की अंगूठी और अपने भाग्य के मालिक यानी शनि देव जो इस समय मकरी भी चल रहे हैं उनके राशि रतन की अंगूठी सदैव धारण करें मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा जागृत कराकर। मगर अपनी जन्म कुंडली के अनुसार, और जन्म कुंडली नहीं है तो चेहरा और परेशानी दिखाकर वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करें, हम अवश्य आपकी मदद करेंगे। बात करूंगा मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मिथुन राशि वालों, ये जो शुक्र देवता थे ना जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं कि राशि परिवर्तन हुआ है, तो ये शुक्र देवता अब आपकी राशि में ही आकर बैठ गए हैं। आप स्वयं भी वहाँ पर विराजमान हैं, निश्चित रूप से आपका वहाँ होना आपको तो बल प्रदान कर ही रहा है, साथ ही साथ शुक्र देवता का वहाँ होना आपको एडिशनल बल प्रदान करता है और मंगल देवता से हो रहे नुकसान को रोकता भी है, क्योंकि मंगल भी तो वहीं बैठे हुए हैं, आपके क्रोध को भी थोड़ा थामने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर अगर आप अपने राशि रतन की अंगूठी सदैव धारण करें, शुक्र देवता के रतन की भी अंगूठी आप धारण कर सकते हैं, और भाग्य के देवता क्योंकि अष्टम हो गए शनि महाराज तो उनके भी रतन की अंगूठी आप अवश्य धारण करें। ये मंत्र सिद्ध अंगूठी आप मेरे से मंत्र सिद्ध कराकर घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। बात करूंगा कर्क राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कर्क राशि वाले व्यक्तियों, ये जो शुक्र देवता थे अभी आपकी आमदनी के खाने में बैठे हुए थे, वहां से निकलकर ये राशि से ट्वेल्थ होकर बैठ गए। अब राशि से ट्वेल्थ होंगे तो निश्चित रूप से वो खर्चे वाले घर में चले गए, यानी आपको और अधिक खर्चा करने की जरूरत पड़ेगी, जबकि पहले से आप बुध और मंगल के खर्चे तो आप झेल ही रहे थे। बुध यानी आज की डेट में अगर मैं बुध की बात करता हूँ तो सीधा कोरोना का नाम मेरे मुख में आ जाता है, क्योंकि छुआछूत के कारक हैं और कोरोना की ये बीमारी छुआछूत से ही फैल रही है। तो मैं अपनी दृष्टि में बुध को इसका बहुत बड़ा कारक मानता हूँ, तो वो परेशानी। और ये साथ तीनों मिलकर सामने वाले घर को भी देख रहे हैं, यानी बीमारी के घर को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको परेशानी हो सकती है, बीमारी की संभावना बन सकती है। सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आप को मजबूत करें, अपने राशि रतन और भाग्य के देवता जो आपके अष्टम हो रखे हैं उनके रतन की अंगूठी पहनकर आप अपने आप को सदैव मजबूत करें, ताकि विपरीत परिस्थितियों को भी आप संभाल सकें। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध की गई अंगूठी आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं मेरे से मंत्र सिद्ध करवा कर। बात करूंगा सिंह राशि वाले व्यक्तियों की। सिंह राशि वाले व्यक्ति, ये जो आपके लिए जो शुक्र देवता कर्म स्थान पर बैठे थे अब वहां से निकलकर आमदनी के खाने में बैठ गए, मगर इंडिकेशन ये है कि कर्मों का मालिक आमदनी में आके बैठेगा, तो निश्चित रूप से आप जो भी कर्म करेंगे उसमें लाभ की प्राप्ति होगी, और वहीं पर बुध और मंगल का बैठ जाना आपके आपके लाभ को एडिशनली बढ़ा रहा है। हालांकि कर्म स्थान पर ग्रहण लगता है, सूर्य को सामने से राहु और सामने से केतु और वहीं पर बैठे हुए राहु दोनों ही एक तरीके से मारने का प्रयास कर रहे हैं, तो सतर्क रहें, सावधान रहें। आपके राशि के मालिक हैं सूर्य, तो आपको अगर कमजोर कर देंगे तो ये फायदा किसी और को चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अपने राशि रतन की, अपने भाग्य के रतन की, अपने आमदनी के रतन की अंगूठी सदैव मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा जागृत कराकर पहनेंगे तो अत्यंत लाभ होगा। यहां बात करूंगा कन्या राशि वाले व्यक्ति के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति, ये जो शुक्र देवता थे जो भाग्य में बैठे थे, भाग्य के मालिक थे आपके लिए, वो वहां से निकलकर कर्म स्थान पर आ गए, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य आपके कार्यस्थल को मजबूत करके लाभ पहुंचाएगा।
आप हमेशा अपने आप को मजबूत बनाने के लिए बुद्ध देवता और शुक्र देवता के रत्न की अंगूठी तो पहने ही पहने, साथ में इस समय पर काफी लंबे समय के लिए राहु महाराज, क्योंकि यहाँ आपके भाग्य में आकर बैठे, तो उनके रत्न की भी अंगूठी धारण करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। मगर जन्म कुंडली के अनुसार, जन्म कुंडली नहीं तो चेहरा या परेशानी के अनुसार या प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपकी मदद की जा सकती है। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध की गई अंगूठी आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं वीडियो कॉल पर मुझसे चर्चा करने के बाद। जय शनिदेव जी, मैं हरविंदर सिंह पंजाब जलंधर से। मैंने गुरु रजनीश जी से, जो शनि पीठ मंदिर दिल्ली से है, उनसे कनेक्ट किया। मुझे पैरानॉर्मल और बुरी नज़र और बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम थी, भौतिक प्रॉब्लम थी, दुश्मन कारगर थे ज़्यादा, तो दुश्मन बहुत ज़्यादा सक्रिय थे। तो मैंने उनसे कनेक्ट किया, उनके साथ वीडियो कॉल पे बात हुई, तो उन्होंने मुझे दिल्ली से 6 रिंग्स तैयार करके भेजी। उसके बाद मैंने वो रिंग पहनी और बहुत उससे फायदा हुआ, 3 रिंग खो भी गई। तो अभी मैं दोबारा गुरु रजनीश जी से कनेक्ट किया है, दोबारा मुझे वो रिंग बना के भेजेंगे और उससे मैं अपना अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलूंगा। बात करूंगा तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों, ये जो शुक्र देवता थे अभी तक तो बैठे थे आपके लिए अष्टम स्थान पर, बदनामी दे रहे थे। आपका अपना ग्रह अष्टम स्थान पर खराब ही होगा, किंतु अब इनका भाग्य स्थान पर जाकर बैठ जाना निश्चित रूप से आपको लाभ प्रदान करेगा, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। फिर भी आप हमेशा अपने आप को जितना ज्यादा मजबूत करेंगे शुक्र देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों से अभिमंत्रित अंगूठी पहनकर, या भाग्य के रतन की अंगूठी पहनकर, या अपने योग कार्य के लिए भगवान शनिदेव के रतन की अंगूठी पहनकर, आपको बेहद फायदा होगा। तो ये मंत्र सिद्ध अंगूठियां प्राप्त करने के लिए बिना किसी झिझक के वीडियो कॉल पर हमसे चर्चा करके लाभ उठा सकते हैं, और घर बैठे हमारे द्वारा हमारी 32 साल की साधना के आधार पर, जो हम नवग्रह देवताओं की नित्य प्रति साधना करते हैं, उसके आधार पर हमारे द्वारा इन सिद्ध किए हुए रत्नों की अंगूठी आपको बेहद फायदा पहुंचाएंगी। बात करूंगा वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, जो शुक्र देवता भी आपके जीवन साथी के घर में बैठे थे, वहां से निकलकर अष्टम हो गए हैं, आपकी बदनामी का कारक बनेंगे, और आपका अपना ग्रह भी तो अष्टम हो रखा है, यानी आपको और ज्यादा कमजोरी महसूस होगी, आपको और ज्यादा परेशानियां महसूस होंगी। ऊपर से बुध का अष्टम होना भी कभी भी शुभ नहीं माना गया। तो आपको तो अपने राशि रत्न के साथ साथ अपने जीवन साथी के रत्न की भी अंगूठी पहन लेनी चाहिए, और अगर आप शादीशुदा हैं, और शुक्र देवता के रत्न की अंगूठी भी धारण कर लेनी चाहिए बुध देवता के रत्न की अंगूठी के साथ, तो आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। अपने मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्य प्रति करना आपको और अधिक फल देने वाला है, उसका लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। विधि विधान के साथ ये पूजा खुद करेंगे तो आपको बेहद लाभ होगा। विधि विधान आप ईमेल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बात करूंगा धनु राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। धनु राशि वाले व्यक्तियों, जो शुक्र देवता अभी तक बीमारी के घर में बैठे हुए थे, अब वो वहां से निकलकर जीवन साथी के घर में प्रवेश कर गए, तो निश्चित रूप से आपके जीवन को रोमांटिक बनाएंगे, आपके जीवन में खुशियां लाएंगे, रोमांस का अनुभव करेंगे। अगर अभी तक शादी नहीं हो रखी है तो शादी कराने की तरफ ले चलेंगे, तो आप इस शुभ अवसर का फायदा उठा सकते हैं। आपको तो ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं, किंतु बीमारी के घर में सूर्य राहु का बैठ जाना कहीं ना कहीं अड़चन दे रहा है। सूर्य लंग्स की समस्या देते हैं, जोड़ों की समस्या देते हैं। लंग्स की बात करें तो ये कोरोना जो है ना, वो लंग्स पर ही तो अटैक कर रहा है सबसे ज्यादा। खतरा अगर आपको बुखार रहता उससे नहीं है, खतरा उसके लंग्स पर या लीवर पर इफेक्ट करने से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। लंग्स पर प्रॉब्लम आएगी तो समझ लीजिए सांसों का उतार चढ़ाव कितना बुरी तरह इफेक्ट होता है। सावधान रहें,
और अपने राशि रतन की और अपने भाग्य के रतन की अंगूठी पहनकर, अपने लगन के रतन की अंगूठी पहनकर, जन्म कुंडली के अनुसार इन रत्नों को धारण करें। वीडियो कॉल पर मुझसे चर्चा करके इन रत्नों की अंगूठियों को मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध करवाकर घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। बात करता हूँ मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मकर राशि वाले व्यक्तियों, एक तो सबसे पहले आपके जो शनि महाराज हैं वो आपकी राशि में बैठकर पहले ही बकरी हो रखे हैं, तो ये आपके लिए कमजोरी प्रदान करने वाले हैं। सावधान रहे, ऊपर से शुक्र देवता, बुध देवता और मंगल देवता का यहाँ बीमारी के घर में आकर बकरी हो जाना आपके लिए चिंता बढ़ाने वाला है, आपको परेशानी खड़ी करने वाला है, तो बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बुध देवता यहाँ पर करोना के सूचक हैं, शुक्र देवता इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम देते हैं, मंगल देवता चोट इत्यादि की बात करते हैं, ब्लड इन्फेक्शन हाइपरटेंशन जैसी समस्याओं के जन्म देता है, ब्लड में इन्फेक्शन भी देते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने आप को जितना मजबूत करेंगे अपने राशि रतन की अंगूठी पहनकर, यानी नीलम रतन की अंगूठी पहनकर, अपने भाग्य के रतन की अंगूठी पहनकर, अपने आमंत्रित और कर्म स्थान के रतन की अंगूठी पहनकर, उतना ही आपको फायदा होगा। साथ ही साथ शनि महाराज के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्यपति करना आपको बेहद लाभ देगा। यहां बात करूंगा कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों, आपके तो ये शनि महाराज वैसे ही राशि से ट्वेल्थ होकर बैठे हुए, बकरी तो है ही है, ऊपर से संतान भाव में शुक्र देवता का आ जाना, जो कि अभी मातृ स्थान पर थे, माता के घर में बैठे हुए थे, वाहन और मकान के ऊपर बैठे हुए थे, वो अब संतान के खाने में आएंगे, तो निश्चित रूप से वहां तो आपको लाभ प्रदान कर रहे हैं, वहां आपको कोई अड़चन नहीं देने वाले हैं। किंतु अगर आप मजबूत हुए तो आप अपने आप को मजबूत करने के लिए अपनी राशि रतन की, अपने भाग्य के रतन की, आमंत्रित कर्म स्थान के रतन की अंगूठी पहनकर अपने जीवन में खुशियां बोल सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत की गई अंगूठियां आप घर बैठे भी वीडियो कॉल पर मुझसे चर्चा करने के बाद प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप दुनिया में कहीं भी क्यों ना रहते हो। बात करूंगा मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। मीन राशि वालों, आपका अपना घर ही राशि से ट्वेल्थ बैठा हुआ वैसे तो आपको कमजोर बना रहा है, ऊपर से भाई बहनों के घर से निकलकर ये जो शुक्र देवता है आपकी माता के घर में आकर बैठ गए, तो निश्चित रूप से माता का आशीर्वाद में वृद्धि ही होगी, माता का आशीर्वाद आपको शुभ फल प्रदान करने वाला होगा, आपको लाभ दिलाने वाला होगा, बशर्ते ही आप मजबूत हों। तो आपको अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने राशि रतन, भाग्य रतन, आमंत्रित के रतन की अंगूठी सदैव धारण करनी चाहिए, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कराकर, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नित्यपति करना आपको बेहद लाभ देगा। ये मंत्र सिद्ध अंगूठियाँ आप हमारे शनिपीठ मंदिर से भी मुझसे वीडियो कॉल पर चर्चा करने के पश्चात प्राप्त कर। प्रिय भक्तगणों, ये जो सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है कि हमने इस सनातन धर्म के अंदर जन्म लिया। इसका महत्व और इसका आनंद का अनुभव वो ही उठा सकता है जो इसके अंदर गहरे बैठता है। हालांकि हम बचपन से ही सनातन धर्म की विभिन्न प्रकार के कहानियों के माध्यम से, किस्सों के माध्यम से उसकी जानकारी अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर सजोते हुए कभी भगवान राम से प्रेम करने लगते हैं, कभी भगवान कृष्ण से प्रेम करने लगते हैं। जब शिवरात्रि का मौका आता है तो हमारा प्रेम भगवान शिव की ओर आकर्षित हो जाता है। जब दिवाली का मौका आता है तो हम लक्ष्मी मैया के अंधे भक्त बन जाते हैं। तो ये सनातन धर्म जो 900 साल तक कुछ मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा गुलाम बनाकर रखा गया और हमारे धर्म स्थलों को तोड़ दिया गया, लूट लिया गया, और बाद में 200 साल अंग्रेजों के द्वारा हमें
प्रताड़ित किया गया, गुलाम बनाकर रखा गया, हमारे धर्म स्थलों को पांडुलिपियों को लूट लिया गया, हमारी कोहिनूर हीरे को भी लूट कर ले गए। तो वो सनातन धर्म क्या ये लोग खत्म कर सके? इसीलिए खत्म नहीं हो सका कि आपने और आपके पूर्वजों ने उनका जी भरकर प्रचार और प्रसार किया। एक जगह अगर कोई धर्म और ज्ञान की बात सुनी तो 100 लोगों से उस ज्ञान की बात की चर्चा की, और वो 1 in 200 यानी हर एक व्यक्ति अगर 100-100 लोगों को बता रहा है, तो सनातन धर्म तो कभी मरा खत्म हुआ ही नहीं, हमेशा हम लोगों के दिलों में जिंदा रहा। और फिर जैसे ही हम आजाद हुए तो इसने अपने पंख फैलाने शुरू किए और आज विश्व गुरु बनकर बैठ गया है, सिर्फ आप लोगों की वजह से। इसे जो विश्व गुरु का दर्जा दिलाया है वो आपने दिलाया है। अगर आप प्रचार प्रसार नहीं करते, सोशल मीडिया पर लगातार अच्छी वीडियोज को प्रमोट नहीं करते सनातन धर्म के, तो क्या सनातन धर्म इतना आगे बढ़ जाता? मुझे तो नहीं लगता, नहीं बढ़ता। मुझ जैसा एक तुच्छ आदमी दिल्ली के कोने में बैठकर सनातन धर्म का क्या भला कर लेता? मगर जब आपने विभिन्न सोशल मीडियाओं के माध्यम से मेरी वीडियोस को पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करना शुरू किया, तो देखते ही देखते 10 करोड़ से ज्यादा व्यूअर्स बन गए हमारे, लगभग 19 लाख के करीब फॉलोअर्स बन गए, केवल मैं यूट्यूब की बात कर रहा हूं। तो ये सब आपकी वजह से हो रहा है कि आप सनातन धर्म को निरंतर आगे बढ़ाते रहे, और ये लगातार करते रहिएगा, डेली करिएगा। डेली ही जो आपको अच्छा वीडियो आता है उसे मैक्सिमम लोगों तक सर्कुलेट करिएगा, वो आगे सर्कुलेट करेंगे, तभी तो हम जैसे तुच्छ लोग आप के साथ साथ सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठा लेते हैं, वरना तो हमारी हिम्मत भी कब की टूट चुकी होती। तो ये प्रयास निरंतर जारी रखें और अपने सनातन धर्म का, अपने देश का मान सम्मान सदैव बढ़ाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय शनिदेव। Thank you.